हमारे साथ झारखंड के पूर्व मंत्री सुधा चौधरी जी हैं और इनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद इनसे मुलाकात हुई है और झारखंड में मंत्री भी रही थी आप, जो पिछला समय था उसको कैसे देखती है? जो पिछला समय था वो आज भी हमारा कायम है, बस फर्क यही था कि जो पीछे लोग एकजुट थे, जब हमारे अधिक विधायक थे, मंत्री थे, तो लोग एक थे, बीच में कुछ लोग इधर उधर हो गए जो कि अब इकट्ठे हो रहे हैं, और पार्टी तो शुरू से है ही झारखंड में, और इधर के दिनों में बहुत ज़ोरों से आगे बढ़ी है, कार्यकर्ता में काफ़ी जोश आया है, और हम लोग सब लोग मिल के इस बार चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे। मैम, संगठन पूरे राज्य में यदि संगठन की बात करें तो पलामू में संगठन कितना मजबूत है? देखिए, पलामू समाजवादियों का गढ़ है और बिहार से सटा हुआ है हमारा पलामू प्रमंडल, जो कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों को वहाँ की जनता को भी देख रही है और प्रभावित है, इसलिए वहाँ संगठन तो काफ़ी मजबूत है। हमारे यहाँ वहाँ से तीन तीन विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, और आज भी वहाँ अधिक संख्या में लोग हैं और हम लोग चुनाव लड़ते हैं वहाँ से, और इस बार चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। मैम, ये बताइए, हम तो सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस विधानसभा से अपनी तैयारी में जुटे? मैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ती रही हूँ और आगे भी लड़ूंगी। हाँ, देखेंगे तो छतरपुर में दूसरे दल का प्रभुत्व अभी है, कैसे वहाँ संगठन में क्या जो सीट शेयरिंग का जो मामला है, क्या आप लोगों ने अपनी बातों को रखा है? देखिए, हम लोग अभी मैंने बहुत बड़ा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें कि 5-6 हज़ार लोगों की उपस्थिति रही, और ये हमने पार्टी के निर्देश पे किया है कि हमें मजबूती से चुनाव लड़ना है। इसकी चिंता हमें नहीं है कि वो सीट किनका है, ये चिंता हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का है, वो फाइनल करेंगे कि हमें लड़ाएंगे वो। और ये देखिए, हमारे साथ राज्य की पूर्व मंत्री सुधा चौधरी, इससे बातचीत हो रही थी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी, पार्टी की जो भागीदारी होगी, पार्टी का जो मार्गदर्शन होगा वो ये फॉलो करेंगी, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र जो छतरपुर है वहाँ पे अपनी जो तैयारी है और पार्टी की जो तैयारी है वो व्यापक स्तर पे चल रही है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।